पुराने समय की बात है, एक जंगल में पीपल के एक वृक्ष पर एक बंदर रहता था। उस वृक्ष पर बया पक्षियों की जोड़ी का भी घोंसला था। उनमें घनी मित्रता थी, वे हमेशा इकट्ठे रहते थे। वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा लगातार होती रही। बया पक्षी घोंसले में छुपकर बैठ गए। बंदर के लिए वर्षा से बचने का कोई भी स्थान नहीं था। वह टहनियों पर बैठा भीग रहा था। नर बया से उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। बंदर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा, क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। बया पक्षी ने उसे प्रेम से शिक्षा दी कि तुम वास्तव में दुष्ट हो। तुमने किसी से भी बनाकर नहीं रखी। तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। बया ने बंदर को निकम्मा भी कह दिया और कहा कि तुम भी आज हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती और न ही किसी से सहायता मांगनी पड़ती। बया ने बंदर को समझाने की कोशिश की, क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानते थे। परंतु बंदर को बया की बातें बुरी लगीं। वह क्रोध में आ गया। वह बया की बातें सहन नहीं कर सका। वह गुस्से से बया पक्षियों के घोंसले के पास गया और उसे तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक दिया। बेचारा बया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया तथा अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख को दी गई शिक्षा व्यर्थ होती है।